हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। रियलमी एक्स टू प्रो जो कि रियलमी का फ्लैगशिप लेवल का फर्स्ट डिवाइस था, उसमें आपको अगस्त मंथ का ओटी अपडेट देखने को मिल गया। लेकिन कुछ लोग यहां पर बोल रहे थे रियलमी यूआई 1.2। भाई नाम तो किसी का नहीं लूंगा, लेकिन आप लोग समझ जाओगे। भाई आपको बता दूं, झूठ क्यों बोलना, रियलमी यूआई 1.0 का ही अपडेट है। लेकिन हम क्यों बोलें जब सिस्टम अपडेट सॉफ्टवेयर अपडेट में जाकर के भी 1.0 लिखा है, तो 1.2 क्यों बोलें? क्योंकि इस अपडेट में फीचर्स यहां पर ऐड बहुत सारे हुए हैं और आप लोगों के जो बग्स थे वो भी फिक्स हुए हैं। अब वे एक एक करके आपके साथ शेयर करूं तो सबसे पहले आपको C.31 का वर्जन देखने को मिलता है, और इसके साइज की बात करें तो आपको 633 MB का साइज देखें। सबसे पहले रियलमी लैब में आपको स्मूथ स्क्रॉलिंग का फीचर्स, सुपर नाइट टाइम स्टैंडिंग मोड और DC डिमिंग का जो फीचर्स है ये ऐड हो गया है रियलमी लैब में, और ये तीनों फीचर्स बीटा स्टेज में है, इनमें आपको बग्स देखने को मिलता है। अब और फीचर्स की बात करें तो कैमरा में आपका जो टेक्स्ट स्कैनर का फीचर्स है वो भी ऐड हो गया, यानी कि अगर आप कैमरा से अपनी कॉपी के ऊपर अगर कैमरा कैप्चर करते हो तो ऑटोमेटिकली वो आपको लैंग्वेज में डिटेक्ट करके बता देगा कि आप कौन सी पिक्चर्स अपनी लैंग्वेज में कैप्चर। और फीचर्स की बात करें तो स्क्रीनशॉट में जो स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट था, आपको बता दूं अगर हम यहां पर स्क्रीनशॉट लें तो ये स्क्रीनशॉट तो कैप्चर हो गया, इसके ऊपर क्लिक करें तो आपको स्क्रॉल देखने को मिलता है। लेकिन अब आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, ऑटोमेटिकली आपको स्क्रॉल जो स्क्रीनशॉट है वही देखने को मिलेगा। सेटिंग में सुपर पावर मोड, नया डिफॉल्ट साउंड रिकॉर्डर देखने को मिला, डीप क्लीनअप देखने को मिला, ये सारे फीचर्स मोस्टली जिन डिवाइसेज में अगस्त का अपडेट आया था उनमें देखने को मिल गए थे। और क्विक गाइड फीचर्स बैटरी के इंटरफेस में और जो सिक्योरिटी सपोर्ट इंटरफेस है क्विक गाइड में वो देखने को मिल गया, और कुछ क्विक गाइड का जो इंटरफेस था वो चेंज किया गया, और अगर आप अपना IMEI नंबर कॉपी करना चाहते हो तो ये फीचर्स भी इस बार ऐड कर दिया है रियलमी ने। स्टेटस बार है उसको ऑप्टिमाइज किया गया है। अब स्टेटस बार में जो OTG का नया ऑप्शन ऐड हुआ था, आपको बता दूं तो ये ऑप्शन नया OTG का स्टेटस बार में ऐड हुआ था जो कि रियलमी 2 प्रो में पहले आ गया था। और म्यूट बेल वाइब्रेट आइकन स्टेट, ये आपको पहले म्यूट देखने को मिलता था, फिर बेल, फिर वाइब्रेट, इनको भी थोड़ा ऑप्टिमाइज किया गया है, थोड़ा चेंज किया गया है। और आपको जो पावर ऑफ करने के ऊपर अगर आप अपनी फ्लैश लाइट को ऑन करते हो तो पावर ऑफ बटन से ही आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। सिस्टम के एप्लीकेशन के जो बग्स थे, फॉन्ट के बग्स थे, उन सभी को फिक्स किया गया, यानी कि इस बार इस अपडेट में बहुत सारे फीचर्स आप लोगों को नए देखने को मिलते हैं। लेकिन इसको हम रियलमी UI 1.2 नहीं बोलेंगे क्योंकि ऑफिशियली भी यहां पर कोई कंफर्म नहीं है। अगर 1.2 आता तो वो नया OS का अपडेट हो जाता, तो झूठ क्यों बोलना। आप लोग जाकर के उनसे पूछना भाई तेरे पास क्या प्रूफ है कि तूने रियलमी UI 1.2 हम लोगों को देखने को मिला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।